अच्छा, इस घर की तख्ती को हम स्क्रैच करके देखने लगे हैं कि 1947 की पार्टीशन से पहले ये घर किस फैमिली का था, किसी हिंदू फैमिली का था या सिख फैमिली का। तो हमें बताया गया कि यहाँ किसी दौर में नाम लिखा हुआ करता था, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके ऊपर क्या लिखा था। हमने फैसला किया कि जनाब इसको स्क्रैच किया जाए अच्छी तरह, और कोशिश करते हैं कि अगर नीचे से नाम निकलता है तो पता चले कि ये किस फैमिली का घर है। ये गाँव है कोरे की, तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट। तो जनाब ये हम जनाब कोशिश कर रहे हैं कि पता चलाया जाए कि ये घर किसका था। जुड़े रहिए, इसके बाद पूरा घर का विजिट आपको कराते हैं। इसके अंदर एक किसी बुजुर्ग की जो है ना वो कब्र भी है, और वो भी 1947 के पार्टीशन से पहले है, वो भी इस घर के अंदर ही है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। साथ साथ वीडियो देख के साथ साथ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दे, ताकि इस तरह की तमाम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको पाकिस्तानी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से मिल सके। वाह जी वाह, अच्छा जी वाह। ये सब तो उत्ते लिखा है जी ओम, ए उर्दू च लिखा है ये ओम, ए लिखा जी लाला बरकत राम ईशरदास पिसरान जीवन सिंह भाटिया कोरे के। ए थले लिखा जी तरीक है जी की लिखी है कि जी यकम हाड़ सन 1984। ए जनाब 1984 जी है ना, ये लिखी है देसी महीने का सन, ये तकरीबन को 50 साल पिछे ला लो तो 1934 को बनेगा, यानी 1934 का बनया घर जरा कि ए तू ऐसी अरशद भाई दे मेरा दे नाल जरा ना असी कढ़िया है। अरशद भाई और जिन्होंने एक घर अलाट होया 1947 वेले, तो इन्होंने ही इतने अपना बचपन गुजारे, इन्होंने वड्डिया ने, इन्होंने दादा जी, इन्होंने वालद साहब, तो यह हूँ घर काबिल इस्तेमाल नहीं, इतने रह को नहीं रहा क्योंकि यदि काफ़ी हालत खराब हो चुकी है। तो इन्होंने भी नहीं पता कि घर कि लिहाजा अभी वह छिलिया उतो, तो थले जनाब ना लिखा है तख्ती लिखनी निकली है लाला बरकत राम तो ईशरदास, ए दो बेटे सन कि जीवन सिंह गुरां के, जीवन सिंह भाटिया के दो बेटे सन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैं मौजूद हूँ गांव कोरे की। ये गांव बाबा गुल्लू शाह का जो मेला लगता था, बाबा गुल्लू शाह की जो मंडी लगती थी, कई सौ साल पहले की बात है, आज भी ये मंडी लगती है, ये वो गांव है, ठीक है ना। बहुत सारे बुज़ुर्गों ने इस गाँव का जिक्र भी किया अपनी जो इंडिया में वीडियोज़ बनाई हैं उसमें। तो यहाँ पर मैं पहले भी यहाँ का जो खत्रियों का बाज़ार था उसकी वीडियो बना चुका हूँ। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा घर, एक ऐसा ख़जाना कि जो हमने तलाश करना है कि ये घर था किसका, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी निशानी नहीं है कि जिससे बंदा ये जाहिर कर सके कि ये घर किस हिंदू का था या सिख का था या किसका था। लिहाजा यहाँ पर हमें शक है कि एक ऐसी तख्ती है जिसके ऊपर चूना वगैरह है, रंग है, लेकिन उसको हम खराश करें, उसको तराशेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो चूना है ना आर्जी लगा हुआ उसको ख़त्म करके उसको मिटा के, तो नीचे देखें कि नाम किसका, और फिर हम इसका जो असल मालिक है उसका नाम देखेंगे कि 1947 की पार्टीशन से पहले किस फैमिली का घर था। तो चले आपको ये घर भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि देखें कि ये घर किसका था। अच्छा, ये जनाब लिखा हुआ है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कोरे की। ये जनाब कोरे की बहुत बड़ा गाँव, और ये उसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप सीधा बाज़ार की तरफ जाते हैं। बाज़ार में आके ये पुराना घर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनाब पुराना बाज़ार, और यहाँ पर ये खतरियों की चुबारे हैं, लेकिन ये जो आगे तंग गली जा रही है यहाँ पर वो घर है जिसकी हमें तलाश थी, और उसके मालकों का हमें पता करना है कि वो 1947 से पहले किसका था। ये इसकी मेन एंट्रेंस है जो कि बंद हो चुकी है, लेकिन इसका जो दूसरा दरवाज़ा है उसके हम यूज़ करते हुए अंदर जाएंगे। ये जनाब बिल्कुल ओरिजिनल हालत में दरवाज़ा अरसा दराज से बंद है। ये देखें ना, यहाँ डेफिनेटली कुछ लिखा होगा किसी दौर में, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये क्या है। चलें, ये जनाब इसी घर का हिस्सा है, और वो नया दरवाज़ा के लगा है, मेन एंट्रेंस आजकल वही है। तो वहाँ से अंदर जाते हैं और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि 1947 का ये घर आज के साल में है। ये आगे जनाब, ओए हो देखो जनाब अपने दौर का आलीशान घर। ये इसका जो एक बैठकनुमा कमरा, वो पीछे जो चुबारा नज़र आ रहा है वो अलग बिल्डिंग है, वो किसी और का घर है। ये जो मेरे सामने है ये एक कमरा है, ठीक है,
और बाकी ये सामने एक ये कमरा मैं बाद में आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बरामदा इसका आ गया और इसके अंदर एक किचन है, एक बड़ा पसार और पीछे दो कोठरियां। क्या बात है जी जनाब। उफे सारे डिजाइन में पुराने दीवारें कितने 18 इंच दियां भाई बड़ी जदा कदे ओहे सरदार दा जमाने। वाह तू हाथ सही देख ना। हां जी हां तो बिल्कुल इत रहंदे रहे ते कदे अहीं। क्या बात ठंडे घर हैं ठंडा। हां यानी कि आंदे ने पुराने घर बड़े ठंडे हुंदे हैं। ठंडे ਆਵੇ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਣ ਵੀ ਉਹੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹੇ ਕੰਦਾ ਗਰੇ ਪਿਛਲਾ ਸਿਕਾਇ ਦੌਰ ਦਾ ਛੱਤ ਪਿਛਲਾ ਭਾਈ ਖਾਲਦ ਮੈਂ ਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਦਾ ਡਾਟਾ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਸੁਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੇ ਆਵੇ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਣ ਨਾ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਦੀਵੇ ਸ਼ੀਵੇ ਹਾਂਜੀ ਦੀਵੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਮਨ ਛੜਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਸਰਦਰ ਵੇਖੋ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਸਰਦਰ ਐ ਉੱਤੇ ਬੱਤਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੰਡੇ ਹੈਂਡਲ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ओरिजिनल ओरिजिनल एक किलियां ने कपड़े टंगण वाली है ओरिजिनल वाह जी वाह लकड़ी दी लकड़ी दी बनी यार ए बारी है ओरिजिनल बारी है असली हालत दे विच मौजूद वाह जी वाह ए ओना रखया कि किसे ले कोई चोर शोर आ जांदा ने आ ओना दरवाजा उस अंदर नु दरवाजा दित्ता आवे चोर दरवाजा चोर दरवाजा हां ए सब कुछ ओ सितीर देखो ए सारे ओरिजिनल दा असली हालत असली हालत च अच्छा ए इनु पसार ने ते पीछे कोठरियां ना पीछे कोठरियां ते ए मंजियां ते खैर पुरानी नवी नवी आ ए नवी ही ने नहीं 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 ए डिजाइनिंग सारी ओही है वाह जी वाह लो जी अपने दौर दा आलीशान एक घर हैगा ए जेड़े ना साडे कदा बुजुर्ग ने सारे घरां दे ग्रेव घरां च जमदे बुजुर्ग ने ना हा वेखे ने लैणी देणी भई पुरानी ने जी ना ढेरी बनाई है इथे दीवा बाल देणे ते ए पुरानी है ये ढेरी पुरानी पुरानी वाह वाह जी वाह ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਿਨਲ ਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਵੇ ਆਹੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਢੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਹਿਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਤੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਆ ਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਾ ਪਿਛਾਂ ਡੇਗ ਪਈ ਪਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਆਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਪੜਾਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਆ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅਜ ਪੁਰਾਣਾ 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 ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁਆਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖੋ ਕਦ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਲੇ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪੇਂਟ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲੇ ਪੇਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ अच्छा ए बुजुर्गों की ढेरी इत पसार वड़ा देखो तुसी गर्मी का मौसम है कोई पखा नहीं ते कोई हबस नहीं ते ठंडा भाई ए जे इन्हां दा जिहड़ा असल ए भी मेरे लो ही है ना हां जी वेखो तुसी ओना चीजा ने फिर भी अज तक कढ गई जे अजकल बनिया ने तो 10 साल भी नहीं देखो ना घर दे डेकोरेशन वास्ते देखो ओ बनाईयां ने कंदा छतियां अपना भांडा टिंडा रखण वास्ते घर दी सजावट वास्ते
पखे मंजी मंजी वे आहो रस्सी बहुत ही मिनट जो दरवाजा ना मैं पहली दफा इस तरह से वेख्या जरा ना सूरज बने ने जेडे कुंडा बाहर ला भी कुंडा उस तरह ही है अंदर ला भी कुंडा उ एडा मोटा हाथ ला के तुम चेक करो नहीं नहीं कमांड तो बनाने वाकई भाई किड्डा भारा वे वाह जी वाह ते ए जनाब बरांडा सी है ना ए बरांडा सी ते इधर एक कमरा ए वेखो ए किचन सी हां जी लो जी किचन देख लो किचन च भी अलमारी बनी है जी ठीक है ना आहो भाई ए थले बनिया जी ओ जड़ा है अग बालन वास्ते ते ए उते छत्ती ए थले चूल्हा ते ए जनाब किचन दे विच रखन वाला समान ते लून मर्च डब्बे मंजी रही चलो वाह वेखो जी ए भी असली सारा असली है दा क्या बात है